नमस्कार दोस्तों, 2016 की वाइब आपको फिर से आने वाली, क्योंकि आज रात को जो मैच है ना, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, 2016 के अंदर बेन स्टोक्स वर्सेस कार्लोस ब्रैथवेट जो था, वो आज देखना पड़ेगा क्या होता है। मे बी क्रिस गेल वर्सेस मार्क वुड एंड कायरन पोलार्ड वर्सेस आदिल रशीद, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। पूरी वीडियो के अंदर आपको प्लेइंग 11 बताएंगे, प्रेडिक्शन करेंगे और आखिर के अंदर कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है। आज स्पेशल मैच है, 2016 की वाइब आपको फिर से आएगी। मेरे साथ मौजूद है आर्यन एंड मेरी बॉल। तो आर्यन, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के मैच में? यार देखो भाई, इंग्लैंड वाले तो डेफिनेटली बदला लेने लेने आएंगे, तो 2016 के फाइनल में उनके साथ हुआ था, मतलब बेन स्टोक्स के चार बॉल पे चार सिक्स मार देते कार्लोस ब्रैथवेट, तो डेफिनेटली मतलब इंग्लैंड वाले तो बदला ही लेने आएंगे। देखिए, सबसे पहले इंग्लैंड के अगर प्लेइंग 11 की बात करें, और उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, मॉर्गन का फॉर्म अभी भी थोड़ा चर्चित के अंदर है, तो क्या वो डेविड मलान को बाहर करके खुद जगह बना के लियाम लिविंगस्टन को खिलाएंगे, इससे क्या राय है आपकी? यार देखो, हो भी सकता है, बट जहां तक मुझे लग रहा है मॉर्गन ही खेलेंगे, बट कुछ कंफर्म नहीं है इसका भी। प्लेइंग 11 के बाद करते हैं, इनके ओपनर्स को हमेशा खतरनाक ही रहते हैं, ये बहुत मतलब एक तरह से ब्लॉकबस्टर मैच होने वाला है, क्योंकि बैटिंग कोच दुबई की, दुबई के अंदर ये मैच है, तो ओपनर्स इनके जॉस बटलर, जेसन रॉय, फिर उसके बाद डेविड मलान आएंगे, फिर फोर्थ नंबर पे इनके जॉनी बेयरस्टो, फिर यॉन मॉर्गन, फिर उसके बाद इनके पास आएंगे लियाम लिविंगस्टन, फिर मोइन अली आएंगे इनके पास, मतलब जगह खतरनाक है। फिर उसके बाद इनके क्रिस वोक्स आएंगे, क्रिस वोक्स के बाद इनके जो पेसर्स होंगे वो मार्क वुड होंगे, डेविड विली, क्रिस जॉर्डन एंड आदिल रशीद, ये इनके पेसर्स और एक स्पिनर होंगे, ये मुझे लग रहा है प्रोबेबल 11 हो सकती है। टाइमल मिल्स स्लैश आप मार्क वुड लगा सकते हैं, क्या पता टाइमल मिल्स को जगह मिल जाए, लेकिन ये प्रोबेबल कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में आपको बता रहा हूँ। वेस्ट इंडीज की बात करो, वेस्ट इंडीज ने पिछले दो वार्म अप मैच के अंदर सबसे पहले गेल को खिलाया था, गेल ने बहुत ही स्लोएस्ट रन बनाए थे 66 की स्ट्राइक रेट से, तो दूसरे मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया था, और फिर अब ये फाइनल मैच है, तो क्या आर्यन आपको क्या लगता है गेल को रियली में जगह मिलेगी, क्योंकि गेल का कॉम्पिटिशन अब बढ़ गया है, इनके पास ओपनर्स बहुत आगे, लैंडन सिमन, सेवन लुइस और ये सब है, तो क्या गेल अपनी जगह बना पाएंगे इस ओपनर? ये देखो, बिल्कुल गेल को तो जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि यार आप गेल जैसे प्लेयर को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, एकदम से गेम पलट सकते हैं, वो हारे हुए मैच को जिता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको तो भाई बिल्कुल खिलाना बनता ही। और मैं चाहूंगा यार, पंजाब किंग्स की स्ट्रेटेजी ने आप नंबर 3 तो उनको भेज के ओपनिंग ही करवाओ, लैंडन सिमंस आ सकते हैं नंबर 3 पे, उनकी ओपनिंग मुझे लग रहा है प्रॉपर क्रिस गेल और एवन लुइस को ओपन करना चाहिए, फिर नंबर 3 पे आप या तो लैंडन सिमंस या फिर एंड्रू फ्लेचर को भेज दीजिए, फिर उसके बाद आपके शिमरन हिटमैर आएंगे, फिर इनके बाद निकोलस पूरन आएंगे, फिर इनकी जो मैं पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट 11 बता रहा हूँ, एक तरह से मैच नहीं बता रहा, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद आएंगे कायरन पोलार्ड, आंद्रे रसल, ड्वेन ब्रावो, फिर उसके बाद इनके फैबियन एलन का जो रिप्लेसमेंट आया था, क्या नाम था उनका यार, याद नहीं आ रहा, एक मिनट, उनका रिप्लेसमेंट आया था, तो आप हेड एंड वॉच जूनियर को खिला लीजिए, फिर उसके दुशेन थॉमस हो जाएंगे, फिर आपके रवि रामपाल होंगे, अकील हुसैन था उनका नाम, तो अकील हुसैन को खिला सकते हैं, मुझे लग रहा है प्रोबेबल इनकी 11 हो सकती है, जिसके अंदर आपके पूरे ब्लॉकबस्टर बैटिंग यूनिट इतनी शानदार है इनकी वेस्ट इंडीज की, थोड़ी सी बॉलिंग में इनको देखना पड़ेगा, हालांकि बॉलिंग के अंदर विकल्प होते हैं, आंद्रे रसल, ड्वेन ब्रावो, कायरन पोलार्ड भी खुद डाल लेते हैं, हेड एंड वॉच जूनियर स्पिनर एक विकल्प हो जाएगा उनके पास, तो क्या रोस्टन चेस को मैं नहीं खिलाना चाहता, रोस्टन चेस ने पिछले दो मैचेस खेले थे, उन दोनों के अंदर उन्होंने टेस्ट मैच खेला था, धीरे खेल रहे थे, टेस्ट मैच खेलते हैं यार, धीरे खेल रहे थे, तो उनको नहीं खिलाना चाहिए। तो रोस्टन चेस की जगह मैं तो या तो एंड्रू फ्लेचर को खिलाऊंगा या फिर जो मैंने पूरी प्लेइंग 11 बताई वो, आप सहमत आ रहे हैं इससे? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, एंड मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि रोस्टन चेस को मौका नहीं देना चाहिए। फिर उसके लिए प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है, और बॉलिंग यूनिट हमने आपको बताई थी, बॉलिंग ओबेड मकॉय हो सकते हैं, हेड एंड वॉल्स जूनियर हो सकते हैं, रवि रामपोल, ये तीन इनके मेन बॉलर हो सकते हैं, बाकी इनका ऑलराउंडर भी काम कर देंगे, और एक अगर एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहेंगे तो वो ओशियन थॉमस या फिर अकील हुसैन में से कोई एक हो सकता है। प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, आप भी प्रेडिक्शन कर दीजिए चार। मुझे लग रहा है देखो, वेस्ट इंडीज जीतेगी इस बार, कायरन पोलार्ड सबसे ज्यादा रन बनाएंगे वेस्ट इंडीज के लिए, एंड यार देखो लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की पहले बैटिंग आएगी 180-190 तक का टारगेट मतलब देगी, एंड लास्ट में इंग्लैंड का देखो मुझे लग नहीं रहा बिल्कुल भी चेज कर पाएंगे, बट इंग्लैंड एक टक्कर देगी वेस्ट इंडीज को, बट चेज नहीं कर पाएंगे, उनकी बैटिंग यूनिट स्ट्रॉन्ग है इंग्लैंड की, उनको थोड़ा हल्के में नहीं ले सकते, ये दोनों टीम मुझे एक तरह से सिमिलैरिटी में लग रही है, मोइन अली तक उनकी बैटिंग है इंग्लैंड की, क्रिस वोक्स भी आएंगे, मैं क्रिस वोक्स का नाम भूल गया, शायद क्रिस वोक्स को भी लेना इंग्लैंड की 11 में, तो उनकी एक तरह से 8th नंबर तक उनकी बैटिंग है, और इनके यहाँ पे भी 8th नंबर तक बैटिंग है, ड्वेन ब्रावो होंगे इनके, तो यार बैटिंग यूनिट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, दोनों ही शानदार है, तो आप बताइए आप क्या बता रहे थे आर्यन? मैं भैया देखो मतलब वेस्ट इंडीज जीतेगी, टारगेट तो देखो मेरे को लग रहा है 180-190 तक का टारगेट मिलेगा, इंग्लैंड बहुत अच्छी टक्कर देगी बट शायद जीत नहीं पाएगी।
देखिए मेरी चार प्रेडिक्शन योगी कि क्रिस गेल को खिला लेंगे यार, तो सही रहेगा, क्रिस गेल को खिलाएंगे और इसके अंदर वो रन बनाएंगे 45+, क्रिस गेल को चांस मिलता है। तो फिर उसके बाद इनके इंग्लैंड के अंदर जो एक तरह से मैच विनर हो सकता है वो मुझे लग रहा है जॉस बटलर होंगे। तीसरे प्रेडिक्शन है हाईएस्ट विकेट्स इंग्लैंड की तरफ से आदिल रशीद लेंगे 2 या 3 विकेट। और लास्ट में ये प्रिडिक्शन होगी कि ये मैच वेस्ट इंडीज़ जीत सकती है। हालांकि इंग्लैंड बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रही है, लेकिन मैं थोड़ा वेस्ट इंडीज़ को बैक कर रहा हूँ जिस तरह से उनके दोनों वार्म अप मैच गए, दोनों में उनको हार मिली, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ जीते और मज़ा आ जाए। तो फिलहाल शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप भी कमेंट में जरूर से बताना कि कौन जीत सकता है, इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज़। बहुत बहुत शुक्रिया।